आज की वीडियो बहुत ज्यादा सही होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीबी कूपर के बारे में, जिसे आज तक का वन ऑफ द सबसे रहस्यमय इंसान माना जाता है। इस बंदे ने प्लेन हाईजैक किया, प्लेन में फिरौती ली और फिर प्लेन से ही गायब हो गया। इसका पीछा करने के लिए कई फाइटर प्लेन्स को भी लगाया गया, लेकिन इसकी प्लानिंग इसकी प्लानिंग इतनी कड़क थी कि इसे आज तक कोई भी नहीं ढूंढ सका है। लेकिन क्या है इसकी पूरी कहानी, जानते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अरे अरे इंट्रो कॉपी। आज की वीडियो में थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज आ सकता है, क्योंकि वो क्या है ना, मेरे घर के बाजू में नया बुर्ज खलीफा बन रहा है, तो इसके लिए यार सॉरी। सो नवंबर 24, 1971, एक व्यक्ति जिसने अपना नाम डीबी कूपर बताया, उसने पोर्टलैंड से सिएटल को जाने वाली बोइंग 727 प्लेन का टिकट लिया एंड वो प्लेन में बैठ गया। जब प्लेन टेक ऑफ कर गया, तब उसने प्लेन में फ्लाइट अटेंडेंट को एक लेटर दिया। फ्लाइट अटेंडेंट ने उस लेटर को इग्नोर मारा, लेकिन डीबी कूपर ने उसी वक्त उस फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया और कहा कि तुम्हें उस नोट को एक बार जरूर देख लेना चाहिए, मेरे पास बॉम्ब है। नाउ फ्लाइट अटेंडेंट की क्या हालत हुई होगी आप तो इमेजिन कर ही सकते हैं। डैन कूपर ने उस फ्लाइट अटेंडेंट को अपने बगल में बैठने को कहा और उसे अपना ब्रीफकेस खोल के भी दिखाया, जिसमें सचमुच में बॉम्ब था। अकॉर्डिंग टू दैट फ्लाइट अटेंडेंट, डीबी कूपर ने काला चश्मा लगाया हुआ था और वो बहुत ज्यादा शांत स्वभाव का आदमी था। उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी घबराहट नहीं थी, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। डीबी कूपर ने उस फ्लाइट अटेंडेंट के सामने अपनी कुछ शर्तें रखी। उसे 4 पैराशूट चाहिए थे एंड $200,000, मतलब लगभग 1.5 करोड़ रुपए। जब प्लेन सिएटल में लैंड किया, तब उसके प्लेन में फ्यूल भरा गया एंड पैराशूट और $200,000 उसको दे दिए गए। उसने किसी भी पैसेंजर को नुकसान नहीं पहुंचा और सभी को सिएटल में ही उतार दिया गया, लेकिन प्लेन के क्रू मेंबर्स को नहीं उतारा गया। डीबी कूपर ने प्लेन को मैक्सिको की तरफ ले जाने को कहा। सारे क्रू मेंबर्स को प्लेन के कॉकपिट में ही रहने को कहा। रात के करीब 8 बजे सिएटल एंड रेनो शहर के बीच कहीं पर डीबी कूपर ने प्लेन से छलांग लगा दिया। पायलट ने प्लेन को सेफली लैंड करा दिया, लेकिन किसी भी क्रू मेंबर्स को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। बट डीबी कूपर कहाँ गया? प्लेन से कूदने के बाद वो ऐसा गायब हुआ कि उसे आज तक कोई नहीं ढूंढ सका। इस केस को साक्षात FBI ने अपने हाथों में लिया और इस पर कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन किया गया, लेकिन डीबी कूपर के बारे में कोई भी सबूत FBI के हाथ तक नहीं लगा। तंग आकर FBI ने 2016 में इस केस को ही क्लोज कर दिया और इस तरह ये दुनिया का सबसे रहस्यमय इंसान बन गया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इतनी रात को प्लेन से कूदने के बाद शायद डीबी कूपर मर गया होगा, या फिर उसे किसी जंगली जानवर ने अपना शिकार बना लिया होगा, मतलब कुछ भी। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना भाई? पैसा हो तो क्या कुछ नहीं होता। भाई एक बंदा जो इतनी चालाकी से प्लेन हाईजैक कर सकता है, वो इतना तो बेवकूफ नहीं होगा ना कि किसी भी जगह से कूद जाए। डीबी कूपर तो पायलट को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि प्लेन की स्पीड और उसका एल्टीट्यूड कितना रखना है, यहाँ तक कि वो प्लेन से नीचे देखकर ये बता दे रहा था कि अभी प्लेन कौन सी जगह उड़ रहा है, और ऐसी जानकारी किसी आम आदमी को तो नहीं होती है। कुछ लोगों को ये इंसिडेंट मूवी का सीन लगता है, मतलब वो डीबी कूपर को लौकी से रिलेट करते हैं। लौकी नहीं, लोकी होता है वो। लोकी मार्वल का एक कैरेक्टर है और लोकी सीरीज में इसका प्लेन वाला सीन भी डीबी कूपर वाले इंसिडेंट से ही लिया गया है। बस फर्क इतना है कि डीबी कूपर प्लेन से कूदने के बाद गायब हो गया था, वहीं लोकी प्लेन से लोकी प्लेन से कूदने के बाद बीफ्रॉस्ट ब्रिज की मदद से वॉर्म होल के थ्रू एसगार्ड पहुंच गया था। और ये तो सिर्फ बनी बनाई कहानी है, पर डीबी कूपर वाला इंसिडेंट कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। और हाँ एक सीक्रेट है, किसी को बताना मत, डीबी कूपर का तो पता नहीं, लेकिन वो $200,000 मेरे पास है। अगर आपको भी इसमें से $50,000 चाहिए तो आप सब्सक्राइब बटन दबा दो, सबके खाते में $50,000 ट्रांसफर करवा दूंगा। FBI वाला मजाक था ये, पहुंच मत जाना मेरे घर।